चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबर का। कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर। निजी अस्पतालों के लिए प्लाज्मा थेरेपी के घटाए गए दाम 16,500 के बजाय अब मरीजों को देने होंगे 10,000 रुपए। एक यूनिट कमलसेंट प्लाज्मा 200 ml के निर्धारित किए गए दाम। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने जारी किया आदेश। फर्स्ट इंडिया लगातार उठा रहा था निजी अस्पतालों में महंगे दाम का मुद्दा। फर्स्ट इंडिया की खबर मतलब कंफर्म असर, तो ऐसा ही एक और यहां पर उदाहरण देखने को मिला है। फर्स्ट इंडिया लगातार निजी अस्पतालों में महंगे दाम का मुद्दा उठा रहा था, तो उसी का असर हुआ है कि अब यहां पर रेट जो है प्लाज्मा थेरेपी की वो घटाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, एक बार पूरी जानकारी भी दे और कब से ये नए आदेश लागू हो जाएंगे वो भी बताएं। देखिए, बिल्कुल, निजी अस्पतालों के अंदर जिस तरह से प्लाज्मा थेरेपी के दाम जो है 16,500 तय किए थे और एक आम मरीजों के हिसाब से काफी ज्यादा दाम थे, और ये मुद्दा जो है लगातार हम उठा रहे हैं कि निजी अस्पतालों के अंदर किस तरह से जो पैकेज में जो दाम थे वो ज्यादा हैं। और उसके बाद में चिकित्सा विभाग ने देर रात उठी समीक्षा की और उसके बाद में जो दाम है वो घटाए गए हैं। पहले जो 16,500 रुपए दाम प्लाज्मा थेरेपी के निर्धारित किए गए थे पैकेज के अंदर से, अलग सेपरेट ये जो दाम निर्धारित किए गए थे, इन दामों को घटाकर अब 10,000 रुपए किया गया है। और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं उन मरीजों के लिए बहुत राहत की बात है जो काफी गंभीर स्थिति में चले जाते हैं और कोविड प्लाज्मा की जरूरत होती है। कई मरीज ऐसे भी रहते हैं जो कि बेड उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण निजी अस्पतालों में ट्रीटमेंट कराने को मजबूर है, और वहां पर भी इस तरह से बड़ा भारी खर्चा हो रहा था 16,500 रुपए का, जिसको घटाकर 10,000 रुपए किया गया। जी विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।